मैं ढाणियों से ही निकली हुई एक बेटी हूँ राजस्थान की जनता हमारे लिए सिर्फ वोटर ही नहीं है राजस्थान हमारा परिवार रहती हूँ या छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठाती तो उनको लगता है अरे ये तो हमारी अपनी है अपने आप एक अपना पंसा आ जाता है तो दिस इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज फॉर मी आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम करती है वैसे हमारी सरकार ने भी स्कीम्स बनाई हुई है पर वो केवल पोस्टर्स बैनर्स और होर्डिंग्स तक रह जाती है बहुत शर्मनाक बात है ये कि सरकार एक छोटे से छोटे लेवल का पेपर भी अच्छे से नहीं करवा पाई नमस्कार आप देख रहे हैं थिंक 360 आपके साथ मैं हूं पूजा चुनाव आने वाले हैं राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं बड़ी-बड़ी पार्टियों के द्वारा वहीं अब राजस्थान की बात करें तो समीकरणों के आधार पर राजस्थान में भी तीसरे मोर्चे ने बड़ा बदलाव किया है आम आदमी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी ने हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी जिन्हें दी है वो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में तो गायत्री जी आपका स्वागत है आपको राजस्थान में आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला विंग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है आप महिला विंग की अध्यक्ष बनी है तो सबसे पहले आपको बधाई धन्यवाद पूजा जी और हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है थैंक यू आपकी जर्नी मैम यहाँ पहुंचने तक कैसी रही देखिए मुझे पार्टी के लिए काम करते हुए तो डेढ़ साल हुआ है ऑलमोस्ट बट मैं आ, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह सामाजिक काम की तरह अगर मैं कहूँ तो मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ और शिल्प सर्जन संस्थान करके एक एन है जिससे मैं पिछले पांच वर्षों से जुड़ी हुई हूँ तो ग्राउंड लेवल पर हमने आ, अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारा काम किया है स्वयं सहायता समूह जो रहता है उनकी महिलाओं को हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है मेरा खुद का छोटा सा एक कपड़ों का व्यवसाय भी है तो ग्राउंड पे मैंने महिलाओं को लेकर के अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रन को लेकर के काफ़ी सारा काम किया ये काम करते करते और समाज की स्थितियाँ महिलाओं की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे इस चीज़ की जरूरत महसूस हुई कि मुझे भी अब एक लेवल आगे बढ़ करके कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिससे मैं एक बड़ा बदलाव ला सकूँ कोई भी बड़ी पार्टी जब किसी को बड़ी जिम्मेदारी देती है तो बहुत ही समीकरणों के आधार पर उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है आपके साथ ऐसा आपको क्या लगता है कि पार्टी ने आप पे भरोसा जताया जी पूजा जी इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा पद सौंपा पर इसके पीछे कारण भी है देखिए हमारी पार्टी अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो उनकी तरह कोई सिफारिश लगा कर के काम या पद देने वाली पार्टी नहीं है हमारी पार्टी मेरिट बेस पे पद देती है काम के आधार पे आपको पद मिलेगा काम के आधार पे आपकी जगह सुनिश्चित की जाएगी अगर आपने काम किया है अगर आपने डेडिकेटेडली जिस तरीके से हमारी जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्राम संपर्क अभियान हुआ था हमारा फिर उसके बाद विधानसभा लेवल की मीटिंग्स हुई थी फिर उसके बाद महिलाओं को लेकर क्योंकि मैंने विशेष करके काम किया तो महिलाओं के मुद्दे पिछले कुछ साल साल में जो रहे उनके ऊपर मैंने काफी बातचीत की अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो काफी सारी छोटी छोटी आपको न्यूज क्लिप्स भी मिलेगी और तो उस सब के आधार पर पार्टी ने मुझे योग्य समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी आप शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में कब आई थी क्योंकि आपने जैसे जर्नलिज्म किया है देन फिर आप मुंबई भी एक फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काफी काम किया है तो राजनीति में कब आप जुड़ी थी उनसे कि किस तरह से मुलाकात हुई फिर देखिए ऐसे कोई पर्सनल हमारी मुलाकात नहीं हुई मैंने पार्टी के लिए काम किया शुरू से राजस्थान में आ, मैं डेढ़ साल हो गए मुझे पार्टी से जुड़े हुए आ, तो जब मैंने ज्वाइनिंग ली थी उसके बाद से मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी मेरा कभी वन टू वन कभी संपर्क भी नहीं हुआ उन तक रिपोर्ट जाती है उन तक सब कार्यकर्ताओं का काम जाता है होमवर्क जाता है कौन किस लेवल पे क्या काम कर रहा है और फिर मेरिट बेस पे ही कौन योग्य है उसको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप जैसे कहती हैं कि मेरिट बेस पे जोड़ा जाता है काम जा काम के आधार पे टिकट दिया जाता है और रिपोर्ट्स जाती हैं जी तो अगर कोई सोचे पार्टी के साथ जुड़ने की आपको जो भी सुन रहे हैं वो शायद अब मन में कल्पना करें कि हम भी जुड़े और हम भी सहयोग करें तो क्या क्राइटेरिया होता है कि आधार पे वो खुद को साबित कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए पूजा जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही है कि हम कैसे आम आदमी पार्टी से जुड़े मैम या हम भी इस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक साफ सी चीज बताती हूँ आप आते हैं और आप आप आ, पार्टी की सदस्यता लेते हैं उसके बाद में ग्राउंड लेवल पे अपना काम शुरू कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे काम सी हमारे लिए जैसे हमारे नेताजी कहते हैं देश सबसे पहले है हमारे लिए पार्टी दूसरे नंबर पे आती है तो जब इंसान के मन में देशभक्ति की भावना है और इस देश के लिए कुछ करने की सोच है और वो कट्टर ईमानदार है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बना है तो अगर उसमें ये तीन क्वालिटी है तो वो पार्टी का सदस्य अपने आप से ही है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको काम करना है आपको देश के लिए काम करना है आपको अच्छी सोच के लिए सोच से काम करना है और आप खुद भी जैसे जानते हो कि ये युवाओं की पार्टी है अच्छे सोचने वालों की पार्टी है देशभक्त लोगों की पार्टी और कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है तो अगर आप में क्वालिटी है तो क्यों नहीं कट्टर ईमानदार को आप कैसे डिफाइन करेंगे कट्टर ईमानदार मतलब क्या कट्टर ईमानदार जैसे कि कहते हैं हिंदू कट्टर हिंदू कट्टर अलग अलग संप्रदाय से जोड़ लेते हैं तो कैसे कट्टर संप्रदाय की हम यहां बात नहीं करते हैं हुँ. हम इंसानियत की बात करते हैं कट्टर ईमानदार से मतलब है देखिये हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हुँ. सब जानते हैं और वो आंदोलन ही था अगेंस्ट करप्शन तब जब हम अगर कहते हैं कट्टर ईमानदार तो घूसखोरी नहीं रिश्वत नहीं कट्टर ईमानदार सिर्फ देशभक्ति की भावना से काम करना और जनता के हित में काम करना और उससे जनता से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना जनता को देने का भाव रखना ही कट्टर ईमानदारी होती है जी एक और चीज उसके बाद हम आगे की उस पर बात करेंगे अभी जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे जैसे आपने कहा कि सदस्यता ले क्या इसमें कोई पैसे वैसे देने हुआ? जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हमारी पार्टी कोई सदस्यता फी चार्ज नहीं करती है ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है और ऐसा कोई क्राइटेरिया पार्टी ने कभी रखा भी नहीं है ये देशभक्त लोगों की पार्टी है आप आइए आपका वेलकम है समाज के कल्याण में और इस विशाल यज्ञ में आहुति देने के लिए आप सबका वेलकम है पूजा जी आपका भी वेलकम है जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी मैम अब आ, सबसे पहले तो ये कि आप एक महिला हैं जी और आम आदमी पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है तो being a, uh, women, आप क्या एजेंडे जो जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव में क्या खास मुद्दे रहेंगे देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात हम राजस्थान की जनता को महज एक वोटर की तरह नहीं देखते राजस्थान की जनता हमारे लिए सिर्फ वोटर ही नहीं है राजस्थान हमारा परिवार है इसमें मैं महिलाओं की बात करूं युवाओं की बात करूं बच्चों की बात करूं बुजुर्गों की बात करूं ये राजस्थान हमारा एक परिवार है हम उसके एक परिवार की तरह देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी पांच पांच साल से रूल करती आई है पांच बारी कांग्रेस आती है पांच बारी बीजेपी आती है जब से मैं खुद एक्टिवली इन चीजों को देखने लगी पढ़ने लगी समझने लगी तब समय के साथ साथ में ये रियलाइजेशन हुआ कि इन पार्टियों ने राजस्थान के लिए कोई काम नहीं किया है अगर आप खुद भी देखें पांच साल से कांग्रेस रूल कर रही है चार साल से आप मैं जनता से भी सवाल पूछूंगी चार साल से आप राजस्थान की पॉलिटिक्स की बात या राजस्थान की सरकार की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है एक ही बात आता है जी दो लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में दो लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में किस लिए लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा चार साल से यही लड़ाई चल रही है सचिन पायलट साहब के बीच में और हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के बीच में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा चार साल से कोई जनता के मुद्दे पे बात नहीं की गई आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए वकीलों को सड़कों पे उतरना पड़ा सीएचएन ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे डॉक्टर्स जिनको हम कोविड के समय में भगवान का दर्जा दे रहे थे वो सड़कों पर उतर आए जी क्यों इन सबकी कहां नौ बताई क्योंकि चार साल से सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही कभी होट, कभी इस होटल में अपने विधायकों को बंद करी कभी यहाँ बस भर भर के विधायकों को ले जाया जा रहा है तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो सरकार के पास में समय ही कहा है जनता के बारे में सोचने का वो तो सिर्फ दिन रात बैठ के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के अपने नाइट डिनर तक एक ही चीज सोचते हैं किस मंत्री को मैं अपने वश में करूं या कौन मंत्री मेरे साइड से बोलेगा कौन मंत्री आज मेरे खिलाफ रहा है तो उसको कैसे डुबाऊं बहुत काम है उनके पास में इन चीजों को बहुत समय लगता है आप समझिए तो उनके पास में टाइम नहीं है जनता के पास अब वही मैं विपक्ष की बात करूं मैं बीजेपी की बात करूं चार साल से आपने मैडम को देखा है नहीं चार साल से मैडम है ही नहीं पता नहीं कहां है इलेक्शन के टाइम से पर अब एक साल हुआ है अब एक साल बचा है चुनाव के लिए अब मैडम एक्टिव हुई है अब मैडम श्री सालासर जी जा रही हैं अब मैडम छोटे छोटे जो भी अपने जो कुछ भी कैंपेन रहते हैं उनके उनमें दिखने एकदम से दिखने लगे क्यों क्योंकि उनको पता था कि चार साल भाई अब तो हमारे भाई साहब अशोक गहलोत जी की सरकार है तो उनको भी बचाना है क्योंकि अगली बार तो मुझे मौका देंगे तो ये मिली सरकार है ये आपस में दे डोंट थिंक अबाउट पीपल दे ओनली थिंक अबाउट देट चेयर कौन प्रधानमंत्री कौन मुख्यमंत्री बनेगा अः किसकी सरकार कैसे लानी है किसकी सरकार बचानी है किसकी गिरानी है ये आपस में इसी चीजों में लगे रहते हैं सरकार के बारे, जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे तो ये जनता को डिसाइड करना है इस बार जी मैम कांग्रेस के एक बड़े मंत्री हैं शांति धारीवाल उन्होंने विधानसभा में पब्लिकली बोला है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है राजस्थान मर्दों के प्रदेश से आप आती हैं कैसे सरवाइव कैसे आप खुद को साबित करेंगे ये बहुत ही शर्म की बात है ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे राजस्थान के मंत्रीगण सदन में खड़े होते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि राजस्थान तो एक मर्दों का प्रदेश है और पूजा जी आप सोचिए उसी सदन के दूसरे मंत्रीगण बैठकर के ठहाके लगा के हंसते हैं कितनी शर्म की बात है आप खुद सोचिए कि जब एक मंत्री के मुंह से इस तरीके के, के स्टेटमेंट जाते हैं तो लोगों की मानसिकता पे जो युवा जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे और जो महिलाएं जो बेटियां हमारी है जो हैं वो पढ़ रही है उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा ये मैं इस चीज को मैं मतलब आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया और लिटरली आई विल से दीज आर इलिटरेट पीपल आप, आप पढ़े लिखे होते काश अगर उनमें कुछ नैतिक मूल्य होते तो वो इस तरीके का स्टेटमेंट कभी नहीं देते जी मैम पंद्रहवीं विधानसभा चल रही है और अभी तक का हम रेशियो देखें राजस्थान का तो कुल 120 महिला एमएलए रही है और बात करें ओवरऑल राजस्थान में अब तक कितनी महिलाएं है रही हैं तो 1604 का जो डेटा है उसके हिसाब से बताती हूँ वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां कोई प्रेजेंट नहीं है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अब जब हम बात करते हैं तो इसको ओवरऑल आधी आबादी का देखते हैं तो सिर्फ ये साढ़े सात प्रतिशत है आधी आबादी हम समानता के अधिकार की बात करते हैं अभी तक किसी भी पार्टी ने समानता वाले उसमें नहीं किया है क्योंकि राजस्थान में महिलाओं की जो रेशियो है जो डेटा है उसके हिसाब से है सा चार करोड़ महिलाएं हैं राजस्थान में और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन जो राजनीति में सिर्फ साढ़े सात प्रतिशत कैसे इस खाई को आप आम आदमी पार्टी कैसे भरेगी और किस तरह से महिलाओं को आप बराबरी का हक दिला पाएंगे देखिए हमारी पार्टी इक्वेलिटी में बिलीव करती है मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं करूंगी क्योंकि उनके उनकी बात अगर करने बैठे हम पूजा जी तो समय पूरा हमारे लिए समय कम पड़ जाएगा तो मैं सिर्फ अपनी पार्टी की यहाँ पे बात करूंगी हमारी पार्टी इक्वेलिटी में बिलीव करती है हमारी पार्टी मेरिट बेस पे बिलीव करती है जो योग्य होगा वो ही आगे तक जाएगा चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है लेकिन दिल्ली में तीन साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और सत्तर सीटों में से सिर्फ वहां पर आठ महिला एम हैं, जो दोनों दलों को मिला के हैं और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो 117 सीटों में से सिर्फ 12 महिला एमएलए हैं। आप जब अब राजस्थान में ये है तो तीन साल से दिल्ली में तो सरकार है फिर आम आदमी पार्टी ने बराबरी का हक क्यों नहीं दिया महिलाओं को टिकट तो दिए जा सकते थे बिल्कुल टिकट गए हैं आप एमसीडी के चुनाव भी ले लीजिए अभी जहां पे आ... इनफैक्ट जहां पर मेल कैंडिडेट उतारना चाहिए था वहां पे भी हमने फीमेल कैंडिडेट उतारे है। आप स्टडी करिए इसको अच्छे से ऐसा नहीं है मैंने कहा कि मेरिट के योग मेरिट के बेस पे ही चीजें दी जाती जहां पर मेरिट hmm. में अगर कोई पुरुष आ रहा है hmm. तो हम इक्वेलिटी की बात करते तो हम पुरुष को पीछे थोड़ी करेंगे जस्ट बिकॉज वी हैव टू गिव गिव वी हैव टू टू टिकट अ बट शी इज नॉट अ कम्पेटेबल तो इसका मतलब ये थोड़ी अगर कोई पुरुष कंपेटेबल है हम उसको पीछे कर देंगे इक्वेलिटी मीन्स वी बोथ हैव टू वी इक्वल चांस तो इक्वलिटी की बात हम इक्वलिटी की हम बात करते हैं और इक्वलिटी में पुरुष या महिला दोनों में से जो हकदार होता है जिस भी पद का जिस भी टिकट का या फिर अगर एमएलए बनने का भी तो उसमें उसकी योग्यता के बेस पे ही हमारी पार्टी डिसाइड uh, करती हूँ मैं अभी राज uh, दिल्ली विधानसभा का डेटा देख रही थी मैम वहां पे सिर्फ नौ महिला एमएलए को टिकट दिया गया था जिसमें से आठ जीती थी हु, 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 तो सत्तर सीटों में से सिर्फ नौ को टिकट देना तो देखिए ये दैट आई हैव टू स्टडी फर्स्ट मुझे एक बार आपने ये डेटा अगर बताया है तो मुझे इसको स्टडी करना पड़ेगा और उसके बेस पे ही मैं आपको बता पाऊंगी कि आप बोल रहे कि नौ को ही दिया है जिसमें से आठ uh, ही हमारी जीती थी तो बट इसका क्राइटेरिया एकदम साफ है मेरिट बेस पे ही चीजें दी जाती है इक्वालिटी को देखा जाता है चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है हमारी पार्टी के लिए वो सम्मान है जी एक और बात मैम राजस्थान में एक बड़े मंत्री हैं मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा उन्होंने कहा था आ, कि राजस्थान को उन्होंने रेपिस्तान कह दिया था और अगर एन सी का हम डेटा देखें लाइक दो हजार से 2022 तक का तो 2022 का रेशियो आया है 19 प्रतिशत ज्यादा रेप केसेस आए हैं तो लगातार ये बढ़ने का क्या कारण है और महिलाओं को आप जब सत्ता में आ जाएंगी तो महिलाओं को किस तरह से आ, महसूस करवाएंगे क्या ऐसे देखिए आप एनसीआरबी की डेटा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक क्लैरिटी देती हूँ किस मंत्री ने ये बयान किया था उसको हटा करके मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बयान जो कि हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी है उन्होंने दिया उसके बारे में बताती हूँ एनसीआरबी का डेटा कहता है विमेन अगेंस्ट क्राइम में राजस्थान इज कमिंग ऑन अ सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे यूपी है जिसमें का तकरीबन छप्पन हजार के आसपास क्राइम अगेंस्ट विमेन कैटेगरी के में केस रजिस्टर्ड है वहीं पे ही राजस्थान में ऑलमोस्ट फोर्टी वन थाउजेंड 40,000 फोर्टी थाउजेंड केस रजिस्टर्ड है ठीक है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी इस बात पे ये बयान देते हैं कि इसमें से आधे से ज्यादा तो फर्जी केस है आपने सुना होगा वो स्टेटमेंट कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कैटेगरी में आधे से ज्यादा तो फर्जी केस है जो महिलाओं ने ऐसे थाने में आके दर्ज कर दिए आप सोचिए एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरीके के स्टेटमेंट आना उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो सच में इन सब उत्पीड़न की शिकार है उनकी मानसिकता के बारे में सोचिए एक तो सबसे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है समाज से लड़कर के वो पुलिस थाने में जा रही है वो अपना केस रजिस्टर करवा रही है वहीं पे ही हमारे मुख्यमंत्री जो कि अ मैन ऑफ अ स्टेट वो ऐसे बयान देते हैं कि ये तो फर्जी है तो उसके मनोबल के बारे में सोचिए आप मतलब फिर वो किसके पास जाएगी पुलिस किसकी सुनेगी पुलिस मुख्यमंत्री की सुनेगी अब वो वो पुलिस तो मुख्यमंत्री के चश्मे से ही हर महिला को देखेगा तो जहां पे रियलिटी भी होगी जहां पे सच में कोई अगर भुगत भोगी है इन सब चीजों की उत्पीड़न और जहां पे किसी के साथ में इस तरीके की चीजें हो भी रही है तो पुलिस तो उसको मुख्यमंत्री के चश्मे से ही देखेगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी मुख्यमंत्री की बनती है कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट ना दे कम से कम उन महिलाओं के बारे में सोचे जिनके साथ में सच में इस तरीके की घटनाएं घटती है, है और जो बहुत सारा साहस जुटा करके थाने तक पहुंचती है जी जी वही मैम आम आदमी पार्टी के, किस तरह से क्या महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा करेंगे किस तरह से महिलाओं का विश्वास जीतेंगे जिससे कि वो निकले दिल्ली में दिल्ली में हमारी तीन बार सरकार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है पंजाब में हमने पहली बार सरकार बनाई है दोनों जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है बहुत अच्छा और रही बात राजस्थान की राजस्थान में जो मुख्य हमारे एजेंडा रहेंगे महिलाओं को लेकर के वो रहेंगे एम्पावरमेंट सशक्तिकरण विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो कि सबसे बड़ी जरूरत है हमारे प्रदेश को उसके बाद में स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है एंड एजुकेशन ऑफकोर्स जो एक आम महिलाओं को जरूरत है इन सब चीजों की तो ये हमारे मेन एजेंडाज रहेंगे जिन पे हम काम करेंगे और क्योंकि विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाती नहीं है निभा भी नहीं रही है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अभी भी जो मुद्दे आ रहे हैं जैसे कल ही एक आठ साल की बच्ची का उदयपुर में आपने पढ़ा होगा न्यूज में आ, उसकी डेड बॉडी मिली कुछ तांत्रिक विद्याओं को और एक्सपेरिमेंट करते हुए उसको लेकर के चले गए तो आई मेड अ वीडियो एंड मैंने अर्ज किया uh, हमारे uh, मुख्यमंत्री से कि उसको उस केस को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए क्योंकि एक वो भी समुदाय uh, का केस है और उदयपुर में एक छोटे से गाँव में ये घटना घटी थी एंड बहुत तुरंत उस पर एक्शन लिया भी गया और कार्रवाई की गई तो इसी तरीके से अगर आप विपक्ष का रोल नहीं निभा सकते हो तो किसी ना किसी को तो प्ले करना पड़ेगा किसी ना किसी को आवाज बननी पड़ेगी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उसको यूज करिए और आप जनता की आवाज सरकार तक ले जाइए तो हम अभी उसी का ही काम कर रहे हैं मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल सही मैम आपने हेल्थ का एक मुद्दा जो एजेंडा बताया है दूसरा आपने एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट का बताया मैं हेल्थ की बात करती हूँ डेटा कहता है अभी जो चार फरवरी 2022 को रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि एनेमिया सबसे ज्यादा महिलाओं में जी लाइक like, uh, विमेन में जब हम 11 से 19 साल की महिलाओं की बात करें तो ये 54 पर, परसेंट एनेमिक हैं महिलाएं और 15 से uh, 49 यानी uh, उनचास पचास साल की हम बात करें तो उनमें ये 59 प्रतिशत है तो लाइक uh, गवर्नमेंट like, uh, कहती है कि हम डिस्पेंसरीज में और जो कॉलेजेस होती हैं वहां पे हम एनेमिया की टेबलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन उसके बाद भी रेशियो तो बदल नहीं रहा आप इसमें किस तरह से हेल्थ को जो विमेन क्योंकि दो पीढ़ियों के लिए दो परिवारों का एक ब्रिज होती है उनका हेल्थ एकदम डाउन होता जा रहा है क्या किस तरह से क्या एजेंडा होगा देखिए सबसे बड़ी जरूरत है अस्पतालों की हुँ. दिल्ली में हमारी सरकार ने क्या किया इतने अस्पताल बना दिए इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए मोहल्ला क्लिनिक सबसे बेस्ट हमारा जो मॉडल रहा इन सब की जरूरत राजस्थान में है वही हम यहाँ की जनता में जा रहे हैं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री है हमारे जो मुख्यमंत्री है वो तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वो जनता के बारे में कब सोचेंगे जनता को स्कूल्स की जरूरत है जनता को अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत है जनता को ऐसी बहुत सारी चीजों की सुविधाओं की जरूरत है जो उन तक नहीं पहुंची तो हम वो जरिया बनेंगे और हम अच्छे हॉस्पिटल्स खोलेंगे जहां पर महिलाओं के जा आप आपने जो ये चीज बोली कि एनेमिक जो रेशियो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है उनको बिल्कुल मेडिसिन फ्री में उपलब्ध कराती है Uh, सरकार जो है तो पर उन तक जी जी उन तक पहुंच ही नहीं पाते पहुंची नहीं आपको उसके लिए वॉलेंटियर्स खड़े करने पड़ेंगे गांव गांव ढाणी ढाणी उनके घरों तक पहुंचाने पड़ेंगे फिर आपको एक सिस्टम रखना पड़ेगा टू वॉच आउट वेदर दे आर टेकिंग देयर मेडिसिन और नॉट आप ऐसा नहीं की आपने एक घोषणा कर दी बड़े बड़े पेम्पलेट छपवा दी पोस्टर बनवा दिए होर्डिंग्स अपने पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री ने अपने होर्डिंग्स लगा दी अपने जो बड़ी बड़े बड़ी बड़ी योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया आ, इन सबसे काम नहीं होता है आपको ग्राउंड में एक्चुअल में क्या चल रहा है वो चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है घोषणाएं कर दी मेडिसिन भी फ्री में दे दी पर क्या वो उन तक पहुंची चलो उन तक पहुंच भी पहुंच भी गई बट क्या वो ले रहे हैं एक माँ होती है ना वो एक बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखती है अच्छा आज मेरे बच्चे की तबियत खराब है उसको मुझे मेडिसिन देनी है उसको मुझे दूध देना है टाइम पे उसको मुझे खाना देना है ऐसी जिम्मेदारी सरकार की होती है जनता सरकार का जनता सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता है समझ रहे हो आप तो जैसे एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे के लिए वैसे जनता सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जनता है तो दे हैव टू टेक केयर तो ये जो गैप है मैम, जनता और सरकार के बीच लाइक सरकार कहती है कि हमने पॉलिसीज़ बना दी हैं, लेकिन पहुंच नहीं रही वो एक अलग बात है इस गैप को आम आदमी पार्टी किस तरह से खत्म करेगी देखिए आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम करती है वो सुनिश्चित करती है सुनिश्चित करती है इस चीज को कि हमने जो एजेंडाज बनाए उसके बाद में हमने जो पॉलिसी मेकिंग की क्या उसके बेनिफिट एक्चुअल में हमारी जनता को मिल रहे हैं टाइम टू टाइम चेकिंग होती है टाइम टू टाइम रिपोर्ट बनती है टाइम टू टाइम नेताजी खुद बैठ करके आप बिलीव नहीं करोगे एक सीएम अपना समय निकालता है खुद ये सब चीजें चेक करने के लिए तो इस तरीके की पॉलिसीज राजस्थान में भी लानी पड़ेगी इस तरीके के काम करने की हिरार की और क्राइटेरिया राजस्थान में भी लाने की जरूरत है तब जाकर के एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे से होगा मैम आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट और एम्पावरमेंट ओवरऑल एम्पावरमेंट की हम अगर डेटा देखें सी का तो आ, राजस्थान तीसरा प्रदेश है बेरोजगारी को लेकर और महिलाओं में 72 प्रतिशत है ये एक रेशियो ये भी आया है कि क्योंकि मनरेगा चला है तो ग्रामीण महिलाओं में ये कम है और शहरी महिलाएं 92 टू प्रतिशत बेरोजगारी में आ रही हैं तो ये जो लाइक like, लगातार पेपर लीक और ये सारी चीजें ये बेरोजगारी कैसे खत्म होगी महिलाओं को कैसे इसमें आप किया जाएगा एम्पावर अगेन बहुत शर्मनाक बात है ये हुँ. कि सरकार एक छोटे से छोटे लेवल का पेपर भी अच्छे से नहीं करवा पाई सारे पेपर फूटे हैं चाहे वो रीट का पेपर हो चाहे वो पटवारी लेवल का पेपर हो चाहे वो ग्राम स... ग्राम सेवक का पेपर हो चाहे वो ए ग्रेड और uh, शिक्षक लेवल की भर्ती के पेपर हो एक भी पेपर आप ऐसा बता दो कि ये पेपर नहीं फूटा और हमने सक्सेसफुली पेपर यू नो व्हाट जब पेपर अनाउंस जब अनाउंस होता है ना कि अच्छा ये पेपर होने वाला है अब बच्चों की मैंटेलिटी बन गई अरे यार जाना है इतनी दूर से रास्ता तय करके हम जाएंगे पहुंचेंगे पर कुछ ना कुछ तो होगा ही ऑफकोर्स माइंड सेट वैसा हो चुका बच्चों का क्योंकि लगातार इतने सालों से ये चीजें देखते आ रहे हो स्पेशली अभी चार पांच चार साल के टेन्योर की मैं बात करूं एक भी पेपर जो जो सरकार एक पेपर ठीक से नहीं करवा पाएगी वो क्या तो रोजगार देगी करेक्ट ये तो हुई एक वो बात जो एजुकेटेड है उनके लिए हो गई चलो पेपर लीक एक मामला है लेकिन हमारे जो राजस्थान का एजुकेशन रेशियो है वो बहुत कम है अगर हम डेटा के हिसाब से देखो तो ये फोर्टी फोर प्रतिशत है गांवों की महिलाओं को उस स्तर तक लाने के लिए किस तरह से उनको इम्पावर किया जाएगा क्या घरेलू रोजगार उनको एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तो इस वैकेंसी ही नहीं आती ना उनको अपने लेवल पे किस तरह से खड़ा किया जाएगा पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए इसके लिए बहुत सारी देखो आप सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोला कि उनको कैसे एजुकेशन मतलब एजुकेशन रेशियो इतना पुअर है सबसे पहले तो एजुकेशन की जरूरत है ना बिल्कुल उसके लिए अच्छे स्कूल बनाने पड़ते हैं जो काम हमारी दिल्ली में चल रहा है मनीष सिसोदिया जी ने इतने अच्छे स्कूल्स बनाए कि प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में डाला कभी आपने सोचा था बचपन में हम लोग सुनते थे ना अच्छा ये तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है क्योंकि वहां पे सब फैसिलिटीज है वहां का बच्चा अच्छे से वेल इक्विप्ड इन्वॉर्वमेंट में रह रहा है बट दिल्ली में उल्टा हो रहा है तो वैसे ही मॉडल की जयप राजस्थान में जरूरत है हमारे प्रदेश में वैसे ही मॉडल की जरूरत है अच्छे स्कूल्स होने की जरूरत है गाँव में स्कूल्स नहीं है मैं खुद बाड़मेर से आती हूँ धोरिमना के पास में मेरा गाँव है अगर मैं वहां की भी अगर आपको बात करू स्कूल्स है इतने छोटे स्कूल्स ठीक है स्कूल्स दे भी दिए तो वहाँ टीचर्स नहीं है टीचर्स कैसे होंगे ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं वैकेंसी कैसे निकालेंगे इनके इनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है पैसा क्यों नहीं है आपको लगता है कि राजस्थान आ, इतना महान प्रदेश है तो उसके पास में आ, 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 जो ज्वाइनिंग्स है उनको देने के लिए पैसा नहीं होगा मैम डेटा के डू यू थिंक नहीं जी करप्शन इतना है पैसा खाने से ही फुर्सत नहीं है तो सैलरीज कैसे बांटेंगे सैलरीज बांटने के लिए तो इनको वैकेंसीज मतलब सैलरीज बांटने के लिए इनको तो पैसा देना पड़ेगा वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा तो सबसे छुटकारा पाते हैं ना टीचर नहीं है तो कोई बात नहीं इनको क्या फर्क पड़ता है हुँ. जी आपने दो चीजें उठाई एक तो सैलरी के लिए पैसा नहीं है करप्शन की बात और दूसरा क्योंकि आप एक गांव से बिलोंग करती हैं तो आपने वहां पे अच्छे से वहां के हालात को देखा और समझा है तो में आप कहती करवाएंगे, लेकिन कनेक्टिविटी भी एक, आता है। उसके लिए क्या? तो, आ, जो एक निचले से निचले तबके के वर्ग है वो कैसे स्कूल तक पहुंचे क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रोजी रोटी जी जब उनके पास पैसा नहीं होगा खाने को नहीं होगा अब देखते हैं बहुत सारे लाइक चाइल्ड लेबर काम के लिए जाते हैं मजबूरी में जाना पड़ता है तो उस गैप को कि वो ना देखिए सबके लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई जाती है कहने को तो हमारी राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम बना रखी है मैंने आपको जैसे बताया स्वयं सहायता समूह और इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स होती है जो कि जनता तक पहुंचती नहीं नरेगा वाला जो आपने बताया तो जिनके पास में रोजगार नहीं है उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्कीम्स बनाती है वैसे हमारी सरकार ने भी स्कीम्स बनाई हुई है पर वो केवल पोस्टर्स बैनर्स और होर्डिंग्स तक रह जाती है आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो जो स्कीम्स बनाती है ठीक है अभी आप जो वन की बात कर रहे हो ठीक है इसमें जो अठारह साल की उम्र के से ऊपर की जो विडो है जो पढ़ी लिखी है अनमेरिड है बट सेपरेटेड है अपनी फैमिली से और जो विडो है और उसके बाद में जो डायवोर्स दैव, है उन सब महिलाओं के लिए अलग स्कीम्स बना रखी है जो वर्किंग है उनमें से उनके लिए वर्किंग हॉस्टल्स बना रखे उन्होंने और उसके बाद में जो विडो है जो एज में है जिनकी बेटियां बड़ी है वो शादी नहीं करा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स बना रखी आप जब पढ़ने बैठोगे ना और आप मेरे साथ दिल्ली चलिए मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगी मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो सच में इन सब सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं विमेन पेंशन जाती है ढाई हजार रुपए वुमेन पेंशन जाती तो इस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी सरकार को ये सारी स्कीम लानी पड़ेगी हमारे लिए बोला जाता है ये तो फ्री बीज है सब कुछ फ्री में बांटते हैं ये वो अब आप खुद देखिए आपको ये उपलब्ध करा देंगे आपको वो उपलब्ध करा देंगे आपको फ्री में इतनी बिजली मिल जाएंगे आप हम रेवड़ियां बांटते तो आप पापड़ नहीं बांट रहे हो जी ये जनता का हक है जो कि अब तक जनता को नहीं मिल रहा था हम जनता को जनता का हक देते हैं अब वो कहां से देते हैं वो पैसा कहाँ से आएगा करप्शन ना करके करप्शन ना करके जो हमारे पास में पैसा बचता है वो ही हम जनता को देते हैं जी दिल्ली में तो मैम जैसे फ्री बिजली काफी सक्सेस हुआ इस वजह से भी लाइक सरकार तीन बार रिपीट हुई है लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट ऑलरेडी जैसे दिल्ली में सौ यूनिट है यहाँ पे दो सौ यूनिट कर चुकी है हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इस बार रहा ये मुद्दा हेल्थ इलाज फ्री का बहुत सारी चीजें सरकार ने जैसे मनरेगा कर दिया अब आम आदमी पार्टी कौन सा ऐसा फ्री मुद्दा फ्री में देने वाली स्कीम लॉन्च करने वाली है जिससे जनता बिलीव करे कि हाँ वाकई में देखो फ्री में आम आदमी पार्टी क्या देने वाली है मैं इसका इस तरीके से आपको जवाब नहीं दूंगी मैं जनता को ये आश्वस्त करूंगी कि जितने अच्छे काम दिल्ली में किए गए जिसकी वजह से दिल्ली की जनता इतनी समझदार है पढ़ी लिखी जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को तीसरी बार मौका दिया ये एक बहुत बड़ी बात है उसके बाद में पंजाब में हमारी सरकार बनी उसके बाद में गुजरात में इतने अच्छे रिजल्ट रहे हमारे थर्टीन वोटर्स नई पार्टी को थर्टीन परसेंट वोट मिलना और गुजरात की जनता ने हमें एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया तो जनता ने जब इतना भरोसा दिखाया वो इसीलिए दिखाया क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया जब काम करने की नीयत होती है ना तो इंसान समझता है और उसी को ही मौका देता है तो हमें पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता भी इस चीज को समझेगी हम ग्राउंड पे जा ही रहे हैं हम वन टू वन बात कर रहे हैं लोग समझ भी रहे हैं इस चीजों को और आने वाले समय में आपको एक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा हम उम्मीद करते हैं मैम लेकिन जो भी सरकार है फ्री फ्री मुद्दे इलेक्शन के टाइम पे करती है आपको नहीं लगता कि जनता को इससे निठल्ले होके खाने की आदत पड़ जाएगी देखो निठल्ले होके खाने की आदत कैसे पड़ेगी आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए मुझे जैसे कि भाई एक होता है कि भाई ये भी सरकार फ्री कर देगी ये भी फ्री कर देगी अब रोजगार नहीं है तो ठीक है फिर वो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कुछ वोट खरीदे जाते हैं पैसे दिए दारू की बोतल दी और किया तो हो गया बाद में बाकी जनता को इसका भुगतना पड़ता है ऐसा नहीं होता दोनों चीजों में फर्क है एक चीज होती है कि आप इलेक्शन से पहले ये चीजें कर रहे हैं जैसे कि अभी चल रही है ना एक साल बचा है एक साल नहीं सॉरी छः सात महीने बचे हैं ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अः क्योंकि उसके बाद में आचार संहिता भी लग जाती है और बहुत सारी चीजें होती है तो बजट पेश किया गया उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा पांच सौ में सिलेंडर मिल जाएगा ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा ये होता है जनता को लुभाने वाला दूसरी चीज अगर मैं बोलूं आपको जैसे हमारी पार्टी है तो हमारी पार्टी ने बोला कि बिजली फ्री रहेगी Uh, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए हैं और उसके बाद में पानी और जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स uh, किए hmm. वो सारे जनता का हक है मैंने आपको पहले भी कहा अगर आज मेरा ढाई हजार रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचता है hmm. क्योंकि मैंने सही सरकार को चुना है मैंने एक करप्शन फ्री गवर्नेंस को चुना है जिसकी वजह से ढाई हजार रुपये मेरा बचता है hmm. तो मैं ढाई हजार से निकम्मी हो जाऊंगी क्या मेरे दूसरे खर्चे नहीं होंगे क्या मेरे बच्चों को मैं स्कूल भेजूंगी ठीक है मेरे घर में मेरे माँ बाप बूढ़े हैं मैं उनकी दवाई या मैं उनका ओवरऑल चलो सरकार ने दवाई भी फ्री कर दी बाकी भी उनकी केयर और मेंटेनेंस रहेगी मैं उनको भी देखूंगी मेरा पेट्रोल जो आसमान छू रहा है उसको भी गाड़ी में भरूंगी बहुत सारे खर्चे हैं भाई ढाई हजार रुपए से मेरी बिजली बचने से मैं कोई निकम्मी नहीं होंगी मुझे दौड़ना पड़ेगा पर ढाई हजार से मेरी सहूलियत हो जाएगी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और आपको ये जनता को भी समझाना पड़ेगा अपने माध्यम से कि देखो अगर वो कोई चीज फ्री कर रहे तो ये आपकी सहूलियत है महंगाई आसमान रही है आज अगर मेरे सौ रुपए भी कहीं बचते ना तो मैं रिलैक्स्ड फील करती हूँ और मैं प्रिविलेज्ड फील करती हूँ थैंक गॉड आई सेव्ड माय हंड्रेड रुपीज तो दीज आर नॉट नॉट अ थिंग्स जिसकी वजह से मैं निकम्मे हो जाऊंगी ये अपने युवाओं को भी समझना पड़ेगा जो कमेंट बॉक्स में भी लंबे लंबे उसमें लिख देते हैं कि अरे ये तो फ्री दे रही है और हम uh, फ्री का खाने वाले नहीं बैठे हैं नहीं वो फ्री नहीं है वो आपकी सहूलियत है आप उससे कोई अल्ट्रा रिच नहीं हो जाओगे आप लग्जरियस लाइफ नहीं एंजॉय करने लग जाओगे उससे उसके बावजूद भी आपको काम तो करना पड़ेगा पर वो आपको एक सहूलियत मिल गई तो ये समझना पड़ेगा जनता को और युवाओं को भी इस चीज में मेरे ख्याल से अपने साथ में जो बैठे हैं जो जो इतना अपग्रेडेड नहीं है टेक्नोलॉजी में जो चीजें नहीं समझ पाते हैं तो उनको अपने साथ में जैसे जैसे मेरे घर में मेरे काम करने वाले हैं या मेरे साथ में जो काम करने वाले जो इतने पढ़े लिखे नहीं मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको ये चीजें समझाऊं तो ये चीजें पहले आपके हेड में क्लियर होनी चाहिए फिर आप जनता को इस चीज के बारे में समझाइए जी रोजगार के अवसर पे हमने बात करी लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह के रोजगार बिजनेस हुआ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर किस तरह के रोजगार को लेकर प्लानिंग कर रही है जो आने वाले समय में वो प्रोवाइड करवाएंगे देखिए, अभी हम संगठन निर्माण पे काम कर रहे हैं हमारा एक स्टेज हमारा संगठन बिल्ड हो चुका है और हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स है जो आने वाले जो जो हमारे लिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया है वो चल रही है नेताजी खुद आएंगे जी राजस्थान और वो ही इन सब चीजों का अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या किस तरीके से हमारी सरकार बनती है तो हम क्या जनता को सहूलियत देंगे तो ये उनका काम है मेरा काम अभी संगठन को मजबूत करना है और आम आदमी पार्टी जो इतना अच्छा काम कर रही है पंजाब और दिल्ली में वो जनता तक पहुंचाने का मेरा काम है महिलाओं के मुद्दों को मैं जोरों शोरों से उठाऊंगी उनकी आवाज बनूंगी और सरकार के कानों तक वो सुनेंगे नहीं तो उनके दरवाजे तक चाहे मुझे बैठना पड़ जाए चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए चाहे मुझे कुछ भी करना हो मैं एडी से चोटी का जोर लगाऊंगी और उनकी आवाज बनूंगी अभी पहले मुझे राजस्थानिंग रहेंगी वो हमारे नेताजी आकर के खुद अनाउंस करेंगे मैम एक उपेक्षित वर्ग अपने आप को मानते हैं सदियों से रहे हैं हालांकि लाइक आजादी के बाद से उपेक्षित रहे हैं उनको आज तक राजनीति में कहीं जगह नहीं मिली जब मेरी उनसे बात हो रही थी जो थर्ड जेंडर की हम बात करते हैं जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका यही था कि हमने जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी हैं उनसे कहा है लेकिन वो हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं तो जबकि हमने उनको चुन के भेजा है हमारा वोट बैंक भी कम है तो हमारे मुद्दे वो एज ए पेरेंट क्यों नहीं उठाते आम आदमी पार्टी ने अभी सोचा है थर्ड जेंडर के विषय में जी बिल्कुल इस बारे में हमारी बात भी हुई थी और मैंने आपको बताया था कि एमसीडी के हमारे एक काउंसलर है जो कि थर्ड जेंडर से है और आम आदमी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो इतना इनोवेटिव होकर के और इक्वालिटी में बिलीव करते हुए वो थर्ड जेंडर को भी उन्होंने मौका दिया बॉबी किन्नर की अगर मैं बात करूँ तो वो एमसीडी का चुनाव जीती और लीड कर रही है वो आ, अपने समुदाय को और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करती है तो राजस्थान में कहीं भी किसी भी जगह से आ, मतलब इस जेंडर को राजनीति में जगह मिलेगी क्या वो उम्मीद रखें आम आदमी पार्टी से इस तरह की ये समय बताएगा बिल्कुल उम्मीद रखें जैसे मैंने ये चीज कही कि किनको क्या मिलता है किस लेवल पे मिलता है वो उनका काम डिसाइड करेगा मेरिट बेस पे सारी चीजें डिसाइड करेगी थर्ड जेंडर भी इंसान है हमारे बीच के ही लोग हैं तो जैसे आप और मैं इक्वल है जैसे आ, महिला और पुरुष इक्वल है वैसे, भी, वैसे ही थर्ड जेंडर भी इक्वल है हुँ. तो मेरिट बेस पे सारी चीजें होंगी और बिल्कुल अगर वो बहुत अच्छा करते हैं तो उन्हें मौका दिया जाएगा जी तो मैम आप ओवरऑल अब चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है सभी पार्टियों में सभी दलों में तेज हो गई है इधर से जाना उधर आना आपके फाइनल आप किस एजेंडे को लेके जा रही हैं कितने लोग महिला कितनी आपसे जुड़ी हैं आपके अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह से ग्राउंड लेवल पे अभी आपने मुद्दे देखे हैं और किस तरह से वर्किंग शुरू की है पूजा जी बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों में बहुत उत्साह है और वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एक थर्ड पार्टी को मौका देने के लिए क्योंकि दोनों पार्टी किस तरीके का काम कर रही है वो बहुत अच्छे से जानती है बहुत लोगों ने बहुत लोग मुझे मुझसे मुझे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं कंटिन्यूसली मुझसे बहुत लोग बहुत सारे एनजीओ बड़ी बड़ी संस्थाएं मुझसे टच में है हुँ. और ग्राउंड पे बहुत अच्छी मेहनत हो रही है काम कर रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं बहुत प्यार मिल रहा है हुँ. अब बदलाव कितना आता है वो समय बताएगा पर मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया इस बार आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपके ये बड़ी जिम्मेदारी आप आम आदमी पार्टी से संभालने के बाद आपके गाँव वालों का क्या रिएक्शन रहा था गाँव वाले क्या सोचते हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है मेरे गांव की तरफ से बाड़मेर की तरफ से मुझे बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं और एवरीबॉडी इज वेरी प्राउड दैट के हम में से बीच में से कोई निकल करके अ uh, प्रदेश लेवल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस उनको दी गई है तो दे आर प्राउड एंड आई विल अश्योर देम दैट मैं बहुत काम करूंगी बहुत मेहनत करूंगी और राजस्थान को मुझे नंबर वन बनाना है और मेरे देश को मुझे नंबर वन बनाना है मैं मैं इसके लिए तत्पर और मैं इसी पे ही काम करूंगी राजस्थान में मैम कहा जाता है कि हर कदम पे हर अगले ही कदम पे पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं क्या आप इसको चैलेंज समझती हैं सब लोगों को एक जगह पे जुट करने में बिल्कुल इस बात को चैलेंज नहीं समझती मैं से ही निकली हुई एक बेटी हूँ मेरे, मेरे तो मुझे बड़ा मजा आता है थोड़ी सी दूरी पे जाने पर अगर भाषा बदल जाती है तो मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स उनके ग्रैप करती हूँ और फिर अपनी मेरी जो मेरी तरफ की बोली है मैं उनसे उस पर बात करती हूँ तो वो अपने आप एक अपना सा आ जाता है तो दिस इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड एंड एंड हैप्पी टू वर्क और दूसरी बात है कि क्षेत्र में जाने का एक आ, एक फील ही अलग है तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ और वो लोग मुझसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं कि अच्छा ये शहर में रह रही है अभी और ये अभी इस लेवल पे पहुंच गई है संघर्ष कर रही है कर या जैसे भी रहता है पर जब मैं उनसे बात करती हूँ उनके बीच में बैठती हूँ और उनको गले से लगाती हूँ या छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठाती हूँ तो उनको लगता है अरे ये तो हमारी अपनी है तो नॉट एट ऑल आई डोंट फील दिस इज अ चैलेंज एंड गांव ने आपको कुछ मुद्दे बताए हैं कि ये तो आपको जरूर उठाने हैं देखो राजस्थान हाँ। भर में बहुत सारे मुद्दे हैं गांव वालों को मुझे मुद्दे बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं वहीं से ही आती हूँ तो मैं जानती हूँ क्या क्या मुद्दे हैं वहां के और मुझे उन पर किस तरीके से काम करना है राजस्थान को संस्कृति और कल्चर के लिए बहुत ब्रॉड लेवल पे जाना जाता है विदेशों तक में राजस्थान की छाप है आप जब गवर्नमेंट में आप आती हैं सत्ता में आती हैं तो इसको बड़े पहचान और किस तरह से क्योंकि महिलाएं इससे खास तौर पे संस्कृति को फैलाने में आगे ले जाने में महिलाएं खास तौर पे जुड़ी होती हैं आप किस लेवल पे इसको आगे बढ़ाएंगे देखिए पूजा जी अगर आप अभी पिछले कुछ समय की बात करेंगे तो राजस्थान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है फॉर रॉयल वेडिंग्स उसके अलावा भी राजस्थान अपने आप में एक संपूर्ण प्रदेश जो कि कला और संस्कृति से भरा हुआ है मेरा मेरा अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो ये सरकार अगर आपस में इन्हीं मसलों में ना पड़ी होती तो राजस्थान डिजर्व टू तो बी अ हेरिटेज स्टेट इन यूएन अगर मैं अगर मुझे मौका मिलता है मेरे राज्य के लिए कुछ करने के लिए हुँ. तो मेरे मैं सबसे पहले यही सोचूंगी कि मेरे स्टेट को मेरे स्टेट को एक हेरिटेज स्टेट की उपलब्धि मिले यूएन में तो मैं उसके लिए काम करूंगी क्योंकि इतना बड़ा एक तो अभी वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा आप देखो ने मैनी बिगेस्ट स्टार और ने मैनी बिग पॉलिटिशियन और अ सेलिब्रिटी हर कोई आकर के राजस्थान में ही अपनी रॉयल वेडिंग करना चाहता है और वो ही नहीं है टूरिस्ट अट्रैक्शन आप क्या नहीं है हमारे पास में एक सबसे बड़ी पूरे इंडिया लेवल पे ही होती है लेकिन मैं क्योंकि आप राजस्थान में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाली हैं तो मैं राजस्थान की बात करूंगी विदेशों की जब हम बात करते हैं तो कोई भी हो वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां एक ब्रांड लेवल पे काम करते हैं राजस्थान का खाना बहुत फेमस है राजस्थान का पहनावा बहुत फेमस है लेकिन विदेश में इन्होंने अभी तक कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के नाम पर कुछ लाइक उपलब्धि नहीं वो करिए अगर दाल बाटी चूरमे की भी बात करें तो वो ओवरऑल है एक ब्रांड नहीं है क्या आप ब्रांड स्टेब्लिशमेंट में यकीन करेंगे या आने वाले समय में बिजनेस को उस तरह से जो कल्चर से भी कनेक्ट करें देखिए सबसे बड़ा और पहले चैलेंज है कि जो बेसिक चीजें हैं ना यहाँ की उसको ठीक किया जाए जो आम लोग है पहले उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए जब आप एक वो स्टे वो स्टेज आप कवर कर लेते हो ना फिर धीरे 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 आप, आप... ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हो अब अगर हम एक नॉर्मल एक की, की बात करें किसी काम को किसी व्यवसाय की भी बात करें तो हम लोग पहले एक नींव रखते हैं एक बेस तैयार करते हैं तो बेस क्योंकि हमारा यहाँ तैयार ही नहीं हुआ अगर सरकार अच्छे से काम करती तो बेस तैयार हो चुका होता तो पहले बेस को ठीक करना है जो आम जनता की समस्या है पहले उसको सुधार करना है उसको ठीक करना है उसके बाद में हम इमेज बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग और इन सब के बारे में हम बात करेंगे और इस तक जरूर लेकर के जाएंगे राजस्थान इज करेक्ट धन्यवाद मैम हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए और क्योंकि अभी आप वर्क uh, कर रही हैं ग्राउंड लेवल पे मुद्दों को uh, जान रही हैं, तो किस तरह से आपके बाकी के एजेंडे होंगे वो हम आपसे बाद में जानेंगे uh, गायत्री जी आपने हमें कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी गायत्री विष्णोई जिन्हें राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमारे साथ तमाम दर्शकों ने जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम आपकी बातें गायत्री जी तक जरूर पहुंचाएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं धन्यवाद